देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अब रोजगार का संकट भी पैदा होने लगा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अपील की कि संकट के इस दौर में कोई भी कंपनी किसी को भी नौकरी से नहीं निकाले। इसके बावजूद कई कंपनीज अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की अब कवायद शुरू कर चुकी है, तो वहीं जयपुर के प्रतिष्ठित होटल्स में शुमार होटल ओम टावर ने भी करीब 2 दर्जन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। जी हाँ, इसको लेकर पीड़ित कर्मचारियों ने होटल के बाहर हंगामा किया। कर्मचारियों ने इस पर यह भी आरोप लगाया कि लॉकडाउन लगने पर उनको घर पर रहने की बात यहां पर की गई, लेकिन अब उनको मार्च से लेकर अभी तक का वेतन भी नहीं दिया गया। बिना नोटिस के ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे में पीड़ित कर्मचारियों ने प्रशासन से अब गुहार लगाई है। सर, अभी जो मेन मेरा जो पॉइंट है वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि होटल ने हम लोगों को, सारे स्टाफ को ये कहा है कि होटल रेनोवेशन पर जा रही है, इस वजह से हम स्टाफ को अभी नहीं रख पा रहे हैं। पॉइंट ये है कि जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है सैलरी बांटने के लिए, तो आप रेनोवेशन कहाँ से कराओगे। दूसरी चीज़, सारे स्टाफ को निकाल दिया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। इन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें से 20 से 25 लोगों को रखा है और बाकी सबको यहाँ से रवाना कर दिया। तो जब आपको रेनोवेशन करवाना है, जब कोई काम नहीं है, तो फिर वो 20-25 लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो या तो इस होटल को बंद करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हमें 2-2 महीने की सैलरी चाहिए। आज ही अपने लॉयर को बुला के हमको एग्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नोटिस पीरियड ले लो 1 महीने का और फिर जाओ घर पे। अगर वो 1 महीने की नोटिस पीरियड के साथ हमको 1 महीने की सैलरी दे तो भी हम सोचें, बिना सैलरी तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं करें। मुझे यहाँ पे 6 से 7 महीने हो चुके हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो इन लोगों ने कोई मुझे लेटर दिया था, ना PF काटते हैं, ना ESI काटते हैं, मेडिकल सर्विसेज भी गवर्नमेंट की कोई प्रोवाइड नहीं ये कराते हैं। अभी हम लोगों को क्या किया गया था कि हम लोगों को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज डाला गया कि आपकी 1 तारीख से जॉब नहीं है आप लोगों की। तब लॉकडाउन के कारण हम लोग यहाँ पे नहीं आ सके थे। हम लोगों ने अपने फ़ोन से कम्युनिकेशन करके अपनी टीम को एक साथ किया कि ये सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो हमें उससे कोई इशू नहीं है, उन्होंने हमें जॉब से निकाल दिया, लेकिन हमें एटलीस्ट नोटिस पीरियड दें 1 महीने का 2 महीने का नोटिस पीरियड देके हमें हमारी सैलरी दें 2-3 महीने की, जिससे कि हम अपना गुजारा कर सके। अब हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग 15 तारीख को आए थे, कोई जवाब नहीं दिया था। हम लोग कल फिर 20 तारीख को आए, होटल पर ताला मार दिया इन लोगों ने और बोलते हैं कि जो बाहर खड़े रहोगे जो करना है कर लो, लीगल कार्रवाई, हम लोग तुम्हें पैसे नहीं देंगे। अभी किसी वकील को बुलाकर इन्होंने ये बोला है कि इनको नोटिस पीरियड दे दो, बहुत बड़े वकील है, वो धमका रहे हैं हम लोगों को। एम्प्लॉयमेंट है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें मार्च के लास्ट महीने में मैसेज इन्होंने ड्रॉप कर दिया कि कल से आपकी सर्विसेज बंद हैं, और उसके साथ में ना ही इन्होंने हमें नोटिस पीरियड का टाइम दिया, ना ही हमें सैलरी दे रहे हैं, और आज हम आके इनसे मांग रहे हैं तो ये इन्होंने अपनी वकील को बुला के बोल रहे हैं कि ठीक है 1 महीने की आप नोटिस दे दो विदाउट पे, पैसे के नहीं। हम यहाँ पे सारे के सारे किराए और रेंटेड पे रहने वाले हैं, जिनके पास ना तो खर्चा है, ना खाने का है, ना आने का, ना जाने का है, इसके पास गैस सिलेंडर नहीं है, इनके पास किराया नहीं, हर कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ में है, हम सर्वाइव कैसे करेंगे। चलो अगर हमें 2 महीने निकालने भी होते तो कम से कम हमें ये पता होता कि 2 महीने बाद हमारी जॉब है। अब तो ना हमारे पास जॉब है, ना ही हमारे पास पैसे हैं, और ये ना ही हमें कोई सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमें बताइए हम कैसे सर्वाइव करेंगे। हर कोई यहाँ पे परेशान है, VP MD पे डालता है, MD VP पे डालता है। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। टीकाराम जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है A1 TV में। जी, धन्यवाद मैडम। टीकाराम जी, मेरा सवाल आपसे अभी ये रहेगा सबसे पहले कि जिस प्रकार से कोरोना के शुरुआती दौर में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद में राज्य सरकार ने भी ये आदेश शुरू में ही जारी कर दिए थे कि किसी भी प्रकार से लोगों के डर में नौकरी को खोने को लेकर किसी भी प्रकार का संशय ना हो, लोगों से ये बात कही और अपील के तौर पर भी कही और आदेश भी दिया कि नौकरियां नहीं खोनी चाहिए, लोगों से गुहार लगाई। लेकिन अब कई वाक्य ऐसे सामने आ रहे हैं कि लॉकडाउन में थोड़ी रियायत मिलने के बाद लोग अपनी नौकरी पर पहुंचे और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया, तो क्या यह प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार से आगे कार्य किया जाएगा इस और? ये इसमें मैडम ये है कि ये सरकार के निर्देश हैं, गवर्नमेंट ने आदेश निकाले हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी मजदूर की नौकरी नहीं ली जाए, उसकी तनख्वाह नहीं काटी जाए, वेतन उसका समय पे दिया जाए, और इसमें अगर कोई गड़बड़ करता है। देखिए, पहले तो सबसे पहले जो मार्मिक अपील हम लोग पहले ही जारी कर चुके हैं कि ऐसी स्थिति में हम सबको सहयोग करना है, ये मानवता के नाते भी ये जरूरी है और कानून के नाते भी। बिल्कुल, ये प्रकरण हमारी नॉलेज में आया है, निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करेंगे और जो श्रमिक निकाले उनको रखा जाएगा, उनकी तनख्वाह दिलवाई जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया टीकाराम जी।